तो सभी को खूब सारा नमस्कार नमस्ते मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है यार एंड आई एम फीलिंग वेरी डिलाइटेड क्योंकि पेपर काफी आसान था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अटैम्प्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि सेप्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अटैम्प देने वाले ज्यादा मंदिर गए हैं इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऐसा लड्डू पेपर आईसीआई ने तुम लोगों के हवाले कर दिया देखो मैं एग्जैक्रेट नहीं कर रहा हूँ बट पेपर इसलिए आसान था क्योंकि जब हम लोग कंपेयर करते हैं प्रीवियस अटैम्प्ट से तो आई पिछले दो चार अटैम्प्ट से एफएम और एसएम को थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा था बट स्पेसिफिकली एफएम ऐसे उतना ट्रिकी नहीं आ रहा था बट अफकोर्स अगर पिछले पेपर से कंपेरिजन करें, तो ये पेपर काफी ज्यादा आसान है तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द शॉर्ट पेपर रिव्यू बहुत जल्दी जल्दी मैं तुम्हें बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन आए क्वेश्चन का लेवल क्या था और उसके बाद जल्दी से बहुत क्विकली मैं तुम्हें सारे एम सी क्यू के सोल्यूशन दे दूंगा डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा थोड़ा 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 बस लॉजिक बता के जल्दी जल्दी तुम्हें एम सी क्यू मार्क करवाऊंगा सो यो गए गट दैट एम सी क्यू सोल्यूशन एज वेल तो पहले हम लोग थोड़ा सा पेपर रिव्यू देखते हैं स्टार्टिंग के पांच सात मिनट एंड देन विल we'll गो टू द

सिर्फ एक पॉइंट अच्छा था मार्जिन पूछा तो सब लोगों को याद आना चाहिए कि वन अपॉन एमओएस परसेंटेज ऑपरेटिंग लिवरेज के बराबर होता है तो ऑटोमेटिकली तुम एमओएस परसेंटेज निकाल लेते अगर तुम ऑपरेटिंग लिवरेज क्वेश्चन के अंदर निकाल पाओ और ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लिवरेज निकल ही जाएगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट मैनेज करेंगे तो ये भी आईडी आएगा नाउ पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर वॉज ऑल्सो वेरी इजी यहाँ पे इन्होंने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पूछा था जो कि वर्किंग कैपिटल मेथड की सबसे आसान मेथड्स में से एक है और सारा का सारा डेटा गिवन है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे नेक्स्ट uh, था पार्ट uh, सी ये भी पाँच नंबर का क्वेश्चन था और यहाँ पे इन्होंने रेशोस का क्वेश्चन पूछा था यूजुअली रेशियो के क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी एम्बिक्विटी होती है पर इस क्वेश्चन में आई सी बिल्कुल क्लियर था कोई एम्बिगुटी नहीं थी क्लियरली बोल भी दिया कि अगर तुम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो निकाल रहे हो तो वो सीओ जी एस पे ही निकालना कुछ लोग सेल्स और सी जी एस में कन्फ्यूज होते हैं आई सी आई ने वहाँ पे भी हिंट दे दी सो दिस वॉज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन डेटा कलेक्शन पीरियड डब्लू सी एम वाला रेशो ही पूछ लिया लॉन्ग टर्म टू शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर्स फंड जो नाम लिखा है वही अपने आप में रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो

बहुत सारा डेटा है और तुमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है अगेन यहाँ पे उसने सी ए पी एम मेथड पूछी बीटा दे दिया और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो यानी कि आर एम दे दिया और आर एफ दे दिया तो आराम से तुम के ही निकाल सकते थे तुम्हें यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस की कोई जरूरत नहीं थी डेबेंचर्स के केस में उसने वाई मेथड पूछी यील्ड टू मेचोरिटी पूछी और स्पेसिफिकली डेवेंचर्स के लिए लिखा है यानी कि प्रेफरेंस या केपी निकालते समय तुम्हें वाई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है सो इट वाज अगेन ईजी क्वेश्चन जहाँ पे हमें डब्ल्यू एस सी था केडी केपी के ई और के आर की आई थिंक यहाँ पे जरूरत है ही नहीं क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स क्वेश्चन में थी ही नहीं सो इट वॉज अगेन एन ईजी क्वेश्चन इट वॉज अ मॉडरेट क्वेश्चन आई वुड से आठ नंबर के हिसाब से तो आसानी था फिर दो नंबर का इन्होंने पूछा व्हाट इज एंजल फाइनेंसिंग टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग के बिल्कुल बेसिक पार्ट का ही आ रही तो अगर वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं पढ़ा एंजल फाइनेंसिंग नहीं पढ़ा सीट कैपिटल नहीं पढ़ा तो फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग तुमने तो शुरू ही कैसे किया तो एंजल फाइनेंसिंग सब पढ़ के जाते इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन दो नंबर का था बड़े आराम से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री वॉज अ गुड क्वेश्चन डेटाज मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ने लगातार अपना डोमिनेंट शो किया पेपर के अंदर और एक और क्वेश्चन आया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट से का तो ओनली गुड पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि टोटल अप्रोच पूछी थी और यहां पे कुछ लोग थोड़ा सा घूम गए बट नो नीड टू वरी टोटल अप्रोच मतलब डेटर्स में सेल्स को भी मतलब प्रॉफिट एलिमेंट को भी इंक्लूड करना है डेटा शुड बी वैल्यूड एट सेल्स कंजर्वेटिव अप्रोच को हमको फॉलो करना था पार्ट भी देखते हैं मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकता हूँ बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आई की मॉड्यूल से कट कॉपी पेस्ट था ई प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है ढाई लाख इक्विटी शेयर्स थे इसके पास दो ऑप्शन दे दिए डेट से पैसा लें इक्विटी से पैसा लें तो क्या क्या होगा ईपीएस मैक्सिमाइजेशन करके हमको दिखाना था एंड कोर्स पीई रेशियो दे रखा था लेवरेज कंपनी का यानी कि प्लान बी का और प्लान ए का पीई रेशियो -E मुझे ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है दैट इज एड मार्केट प्राइस पर शेयर विच वॉस्ट रुपीज फाइव लाख दिस प्लान इज एक्सपेटेड टू यू डी बी आई टी ऑफ टू लाख पर एन एम इट एज टू अल्टरनेटिव फाइनेंस प्लान एक इक्विटी ऑप्शन था और एक डेट ऑप्शन था तो मेरे भाईयों ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन था और यहाँ पे भी हम लोगों को प्राइस को मैक्सिमाइज करके देखना था एडवाइस विच ऑल्टरनेटिव इज मोस्ट सुटेबल टू रेज द फंड फॉर एडिशनल कैपिटल कीपिंग इन माइंड टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स सो इट वॉज अगेन इजी क्वेश्चन बेसिक्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया था पांच नंबर का यह क्वेश्चन है फिर ये थियरिटिकल क्वेश्चन है यार दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस डेबेंचर के डिस्कस करने हैं ये तो ट्वेल्थ क्लास का बच्चा भी लिख देता चार एजम्पन्स लिखना थे गॉर्डन्स मॉडल के तो चार एजम्पन्स भी हम लोग आसानी से लिख सकते वॉल्टर और गॉर्डन फॉमूला के जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पन था जो मैंने क्लास में बार बार बोला था कि फंडस आर रेज थ्रू रिटेन अर्निंग्स यानी कि वॉल्टर और गॉर्डन में हम लोग नए शेयर इशू नहीं कर सकते कैपिटल मार्केट सा परफेक्ट ऐसे खूब सारे एजम्पन्स वॉल्टर और गॉर्डन के थे फिर लेवरेज लीज आई कि भाई लोन लो एसेट खरीदो और उसको लीज बैक कर दो जैसे रिसेंटली अभी मेरे पास एक प्रपोजल आया था महू में आ, एक आ, आ, फार्म हाउस बन रहा है जो मैं लोन लेकर के खरीदूंगा और फिर उन्हीं को लीज पे दे दूंगा सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल लेवरेज लीज कंपलरी लीज बैक अग्रीमेंट था तो ऐसा कुछ तुम्हें इस कंटेंट के अंदर लिखना था और रेमिडीज़ फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन अगेन इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज तो बिल्कुल आसान आसान थियरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पहला क्वेश्चन एम टी एस लिमिटेड था अभी मैक्सिमम वेंडर्स जो थे वो खुद के पेरोल पे थे यानी कि एम्प्लॉइज थे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन टेक्नीशियन मार्केटिंग सेल्स पर अब एम टी एस लिमिटेड एनवायरमेंट अनस्टेबल और डायनेमिज्म को देखते हुए अब आउटसोर्स करना चाहता है मेजर एक्टिविटीज को और एलिमिनेट करना चाहता है इन हाउस फंक्शंस को तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है अरे भाई ये है नेटवर्क स्ट्रक्चर एनवायरमेंट अनस्टेबल है कोवेब लाइक स्ट्रक्चर है मैक्सिमम फंक्शन आउटसोर्स कर रहे जस्ट जस्ट लाइक एचएनएम फॉर नेक्स्ट है मेरे भाइयों सिनर्जी लिमिटेड जो की प्रोडक्ट बना रहे 2010 से बहुत सारे लॉसेज हो चुके हैं पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यह मानना है कि कंपनी को डाइवेस्ट करने की जरूरत नहीं है शेयर बेचने की जरूरत नहीं है कंपनी के एसिड बेचने की जरूरत नहीं है लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है हम रिबाउंड करेंगे इंटरनल इंक्रीमेंटल इफिशियंसी पे फोकस करेंगे और जब रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन करते थे उसको हम लोग कहते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के पांच पॉइंट लिखना थे असेसमेंट ऑफ द करेंट प्रॉब्लम डेवलपिंग ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी एक्शन प्लान एटसेट्रा एक्ट्रा तो पांच पॉइंट पॉइंट तुम चिपक के लिख के आ सकते हो ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी फिर तीसरा था मार्केट फॉर बेबी केयर रेडीमेड गारमेंट्स न्यू टॉयज ये दो तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए एक नए कस्टमर के लिए मार्केट जो है वो नैरो है फोकस नैरो है मतलब फोकस स्ट्रेटेजी भाई एक साइड पे तो कुछ कस्टमर्स प्राइस कॉन्शियस है और कुछ कस्टमर्स प्रीमियम पे कर रहे हैं तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप भी है और फोकस भी है वो दोनों हमें कर रहा था, की के अंदर। फिर फाइनली क्वेश्चन नंबर सिक्स था ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करो तो टाइम बाउंड स्पेसिफाइड मेजरेबल टारगेट्स ऐसा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन याद की थी इंटेंट का ये हिस्सा होता है कैरेक्टर्स बता होता है स्मार्ट कंसिस्टेंट एनवायरमेंट ये हमारा एक्म था एस फॉर स्पेसिफिक एम फॉर मेजरेबल ए फॉर अटेनेबल आर फॉर रिलायल टी फॉर टाइम नी कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव शुड द रिलेशनशिप विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो ये सारी की सारी कैरेक्टर्स हमको लिखना थी फिर वैल्यू चेन एनालिसिस दो पार्ट्स थे एक प्राइमरी एक सपोर्ट प्राइमरी में याद करो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती कौन कौन से एरिया होते मैंने याद कराए थे क्लास के अंदर इनबाउंड ऑपरेशंस आउटबाउंड सेल्स आफ्टर शेल्स तो यही सारी प्राइमरी एक्टिविटीज लिखना थी और मैंने कहा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ रिलेट करती है जैसे वॉलमार्ट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया वॉलमार्ट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और प्रोक्योरमेंट को जोड़ दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट प्राइमरी तो वॉलमार्ट ने कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली टू बी कॉस्ट इफेक्टिव तो भाई क्या प्राइमरी और सपोर्ट इंटरवाइंड होती है यस प्राइमरी प्राइमरी रिलेट करती है प्राइमरी सपोर्ट रिलेट करती है और सपोर्ट सपोर्ट भी रिलेट करती है इट इज लाइक दैट तो भाई ये पार्ट बी भी, भी बड़ा ही आसान था Seventh question, up what are the four specific criteria for sustainable competitive advantage to determine the capabilities that are core competence? Vren! V for valuable, R for rare, I for imitable, N for substitutable. VRAIN is the correct answer. फिर स्टार्टअप है रेयरली एम फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी तो बताओ कब कब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मीनिंगफुल होगी कौन कौन से मेजर रीजन है कि हमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगाना चाहिए तो मैंने एग्जाम्पल दिया था अमूल स्टेबल एनवायरमेंट है तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगा दो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर बहुत मैसिव ग्रोथ कर चुके तो कॉन्सोलिडेटेटेटेटेट करने के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगा दो जब एक्सपेंशन से डर लग रहा हो तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगा दो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने थे फिर क्वेश्चन नंबर एट था माइकल पोर्टर की कॉमन बैरियर्स बताओ जो कि विच में कॉच फॉर द न्यू एंट्रप्रनोर मतलब बेसिकली ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की बात कर रहे हैं और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के अंदर कॉमन एंट्री बेरियर की बात कर रहे हैं तो वो हम लोगों को यहां पर पॉइंट लिखना थे पार्ट बी स्ट्रेटिक परफॉर्मेंस मेजर्स आर की इंडिकेटर्स तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एसपीएम अलग अलग तरह के एसपीएम हमको मैंशन करना थे कि फाइनेंशियल्स अलग है स्ट्रैटेजिक अलग है कस्टमर uh, बेस्ड अलग है इनोवेटिव मेजर अलग है तो ऐसे किन कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिस पर स्ट्रैटेजिक को इवेल्यूएट करेंगे दैट इज वॉट वी कॉल एस एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन था नेविगेट करो चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके लिए क्या क्या पॉइंटर्स है अगेन इट वॉज अ न्यू सिलेबस पोर्शन नया

माइकल पोटर ने जो निश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी उसको कंपनी अडॉप्ट कर रही है और एयरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगी तो भाई एक्सपेंसिव होगा हवाई जहाज से माल बेच रही है फिलोसॉफी ऑफ द कंपनी स्टेटेड एज टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स थ्रू टाइमली एंड सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स सो इट इज द मिशन स्टेटमेंट मिशन डेलिनियस फार्म्स बिजनेस गोल्स वेज टू अचीव द गोल्स व्हिच बिजनेस आर वी बीन एक्टिविटीज प्रेजेंट कैपेबिलिटीज कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मिशन स्टेटमेंट क्योंकि यहां पे ये बताया जा रहा है हु वी आर एंड व्हाट वी डू हम कस्टमर को डिलीवरी करते हैं गुड्स की और चाहते हैं कि टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स फिर नेक्स्ट है द कंपनी टू कीप अहेड एंड रिकैप द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द इंडस्ट्री इज तो भैया जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज तुम्हें चाहिए और सबसे पहले तुम पहुंचना चाहते हो सो दैट इज नथिंग नो एक्टिव स्ट्रैटेजी फिर देखो इन कॉन्टेस्ट टू सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवेज द कंपनी इज एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ऑन ऑन वन एंड टाइम रेलवे मतलब पीएलसी कर रहे हैं अच्छा अब अगर जब हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे तो यहां पे उन्होंने लिखा था कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट है रेलवे का वो बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत कम है और मार्केट का एरिया जो है वो स्टेबलाइज्ड है Matla maturity stage a growth slow and the market is pretty much stabilized, then definitely it is the maturity stage of the industry. So, correct answer is option number B. For finally, Super Products Limited a divisions hai, alpha, beta. कंपनी थीटा और हर डिवीजन के खुद के एक्टिविटीज हैं जनरल मैनेजर ओवरव्यू कर रहा है और खुद के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स और खुद का बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सोचना है यानी कि ये है एचबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट फिर इन्होंने बोला हुआ है कि ऑलवेज अहेड लिमिटेड एक प्रोडक्ट लेके आई है वो पीसीटी के कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ऑलवेज uh, अहेड ये सोच रही है कि भाई मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अभी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट शेयर इंक्रीज करने की बात कर रही है मेंटेन मेंटेन करने करने की बात करने की बात बात नहीं कर रही करती तो हो सकता है स्टार हो जाता इंक्रीज करने की बात कर रही है और बोल रही है लॉन्ग टर्म फोकस करो शॉर्ट टर्म नहीं मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क है एंड वी हैव टू बिल्ड क्वेश्चन मार्क में बिल्ड करते हैं स्टार में होल्ड करते हैं कैश का हार्वेस्ट करते हैं और फाइनली डॉग्स में डाइवेस्ट करते हैं सो बिल्ड इज द करेक्ट आंसर फिर कट लोइन का ये सीक्वेंस बोल रहे हैं तो पहले होता है एनफ्रीज फिर होता है चेंज और फिर होता है रिफ्रीज यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फिर एफ एम भी आ जाते हैं बड़ा क्वेश्चन है काफी आर एस लिमिटेड थी आर एस लिमिटेड ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाना शुरू किया अरे क्या बात है भाई बहुत बढ़िया बात है तो और इसके प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी विच इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्रेजेंटली द मशीन इज यूज फॉर दिस पर्पज इज एन ओल्ड वन और वेस्टेज है ब्रेक break, ब्रेकेज है एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा लिमिटेड कैपेसिटी है मतलब पुराने की बुराई चल रही है और ये तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि जब पुराने की बुराई चल रही हो जरूरत से ज्यादा मतलब नया आने वाला है पुराने के दिन खत्म हो गए द प्रोडक्शन मैनेजर हैज द सी ई ऑफर लिमिटेड फॉर एन ऑटोमेटेड मशीन विच विल ड्रास्टिकली रिड्यूज ड्यू टू ब्रेकेज मैनेजर इज कॉन्फिडेंट अबाउट द अबाउटन ऑफ ऑटोमेटेड मशीन विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी और फिर अब इन्होंने इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया अगर हम लोग नई मशीन लेके आएंगे तो एडिशनल सेल्स और रिलेटेड कॉस्ट क्या है अगले सालों की वो रखी हुई है। तो मेरे है 30, और यहां पे वापस तेरह तो कॉन्ट्रीब्यूशन का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एडिशनल सेल्स यूनिट तो हमको एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा और एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम लोग ये फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे और डिप्रीसिएशन माइनस करेंगे और सेविंग्स अगर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर जो कि आगे है कि भैया अगर नई मशीन लेके आते तो हैं तो जो एक्स्ट्रा उनको ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा PBT, देखो फिर से बोलता हूं। निकाल लिया उसका से तो आ गए, कर दी, यहां तक समझे आगे देखते बोला कि मशीन की कॉस्ट पांच लाख रुपए इसकी रेस्टिडेल वैल्यू पचास हजार होगी और लाइफ पांच साल है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि लग साढ़े चार लाख रुपए पर फॉर फाइव हो जाएगा और इन्होंने बोला हुआ है कि भाई मशीन लगाएंगे, तो हमारी सेविंग्स बिफोर टैक्स पंद्रह बीस बीस और बीस तो ये भी कैश फ्लो में ऐड होगी पैसों का ना जाना भी पैसों का आना ही तो होता है फिर इन्होंने बोला कि अभी जो मशीन है ना उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जीरो है। मतलब, कुछ नहीं है मतलब सॉरी एडिशनल डेप्रीसिएशन निकालते समय एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है मतलब जो नया डेप्रीसिएशन होगा पूरा पूरा का का एडिशनल हो जाएगा बिकॉज अभी का तो कोई है ही नहीं और मशीन जो है वो बिकेगी दस हजार रुपए में आज अगर मशीन बेचेंगे तो दस हजार रुपए मशीन बिकने वाली ठीक है भाई मतलब इंक्रीमेंटल आउटफ्लो हो गया चार सौ नब्बे थाउजेंड क्योंकि पांच लाख रुपए की नई मशीन आ रही थी और दस हजार में बिक जाएगी तो चार सौ नब्बे हुआ और कोई भी कैपिटल गेन टैक्स कंसिडर नहीं करना है इग्नोर बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट टेन है और टैक्स रेट इज थर्टी आंसर निकालो क्या आंसर निकालना है नंबर वन व्हाट इज द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्सेस फॉर ईयर वन ईयर टू एंड ईयर थ्री ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस मुझे निकालना है ईयर वन के ईयर टू के और ईयर थ्री के ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तो देखो बड़े सिंपल है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर और ईयर फाइव सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल यूनिट्स करके तो एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया उसमें सेविंग्स ऐड कर ली जो फिक्स कॉस्ट मुझे डायरेक्टली दे रखी थी वो माइनस कर दी मैंने यहाँ पे डीटीएस से किया तुम बिना डीटीएस के भी कर सकते हो तो ईवीआईटी डी आ गया उसको आफ्टर टैक्स किया सेवेंटी परसेंट से मल्टीप्लाई तो ओपैड आ गया और मैंने डीटीएस ऐड कर लिया एडिशनल डेप्रिसिएशन था नाइनटी थाउजेंड टैक्स रेट वो थर्टी परसेंट मतलब डेप्रिसिएशन पर टैक्स शील थता हजार तो मैंने डीटीएस अलग से ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया सी फाट तो पहले साल शिफाइड एक सौ साठ फिर वन नाइन फिर थ्री फिर जीरो फिर तो आंसर इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तो भैया इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और उसका टोटल कर दो तो इसका टोटल करने पे आंसर आएगा नाइन थर्टी थ्री पॉइंट एट वन उसमें सैलवेज वैल्यू और जोड़ दो सर कौन से सैलवेज वाल्यू अरे नई मशीन पचास हज़ार में बिकेगी भी तो सही तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले पचास हज़ार इन पॉइंट सिक्स टू वन तो तैंतीस हज़ार पचास रुपये इकतीस हजार पचास रुपये सैलवेज वाली आ, आ जाएगी वो और जोड़ दो इनफ्लोस में और दोनों इनफ्लोस को जोड़ के चार सौ नब्बे का आउटफ्लो माइनस कर दो तो फाइनली तुम्हारी एन आ जाएगी फोर सेवेंटी फोर एट नाइन जीरो यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर फिर उन्होंने पूछा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो भैया ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लिए इन सब का डिस्काउंटेड कैश फ्लोस कर दिया अब बताओ चार सौ नब्बे कहां रिकवर हो रहे तो सेकंड के बीच में तो लगा दूंगा माइनस दिस डिवाइडेड बाय फॉर्मूलाइडेड मल्टीप्लाई बाय और प्लस टू तो फाइनली पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगा के मेरा आंसर आ जाएगा टू पॉइंट सेवन फोर फिर वॉट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फॉर ईयर टू ईयर थ्री एंड ईयर फोर तो भैया ईयर टू का ईबीआई दो सौ पैतीस है डेशन नब्बे तो दो सौ पैतीस माइनस नब्बे ईयर टू का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया एक सौ पैतालीस तो एक सौ पैतालीस तो एक ही ऑप्शन में so, फिर उन्होंने बोला कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्सेस फॉर इयर वन ईयर टू इन तो कैश तो इनफ्लो आफ्टर टैक्सेस कितना है एक सौ साठ वन नाइनटी वन और थ्री थर्टी फाइव चेक कर लो तो यहां पर आ गया मेरे भाईय एक सौ साठ वन नाइनटी वन और थ्री थर्टी फाइव यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर दैट्स तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी सेल्स ऑफ सिक्स लाख वेरिएबल कॉस्ट ढाई दो लाख चालीस हजार की 2, 7, 000, दे रखा है और सिंपल है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू ओ एल और मेरे भाई ओ निकल सकते हैं यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो तीन कंट्रीब्यूशन आ गया और दो सत्तर फिक्स कॉस्ट माइनस की तो साठ जो है वो EBIT आ गया तो ओएल आ गया चार और अगर ओएल चार आ गया और ईबीआईटी को डबल करना है मतलब हंड्रेड परसेंट बढ़ाना है तो हंड्रेड परसेंट डिवाइड बाई ओएल इज इक्वल टू तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स यानी कि पच्चीस परसेंट करेक्ट आंसर एंड बिल्कुल लास्ट में चल रहे अपन फिफ्टीन इन्होंने के लिमिटेड दे रखा है, एक है, दस रुपए का एक शेयर है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर सेवेंटी फाइव और कंपनी ने डिक्लेयर करना है डिविडेंड छह रुपए पर शेयर विच, विच विल बी पेड विद इन नेक्स्ट थ्री डेज और कंपनी की हिस्ट्री रहेगी कंसिस्टेंट डिविडेंड की और कंपनी जो है वो अगले साल डिविड देना चाह रही है सेवन पॉइंट फाइव नाइन मतलब डी वन हो गया सेवन पॉइंट फाइव नाइन प्राइस हो गया पचहत्तर रुपए कम है तो मल्टीप्लाई मेंल्टीप्लाई हंड्रेड अब ग्रोथ निकालनी है तो सेवन पॉइंट पे? पे, तो कितनी आ गई ट्वेंटी तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव फिर फाइनली लास्ट में डू एनालिसिस था जो कि होता है रिटर्न ऑन एक्विटी इंटू एसेट टर्न ओवर इन टू इक्विटी मल्टीप्लायर और इक्विटी मल्टीप्लायर का आंसर होता है टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब टोटल इक्विटी तो मेरे भाइयों सात लाख बीस हजार डिवाइडेड बाय चार लाख पचास हजार मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व पॉइंट फाइव एंड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फाइव सो फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी थर्टी परसेंट सो गाइज दीज वर माई आंसर की फॉर द एमसी क्यू और ये था पूरा का पूरा पेपर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टाइलिक मैनेजमेंट मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा पसंद भी आया होगा एंड फाइनली आई आई थिंक यू मस्ट हैव nailed इन ऑल ऑफ़ योर पेपर्स तो आप इन्जॉय करो क्योंकि सेप्टेम्बर अटैम्प तो खत्म हो गया अब तुम आराम से सो सकते हो चिल कर सकते हो और बहुत सारी नई मूवीज़ और शोज़ अवेटिंग वेटिंग है जो तुम देख सकते हो सो थैंक यू सो मच गाइज Bye बाय सी यू वेरी सून और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से एफ एम और एस एम के अच्छे पेपर्स ऐसे ही देता रहेगा चाहे ताकि मेरा बिजनेस इसी तरीके से चलता रहे चलो जस्ट कैडेंग बय सी यू वेरी सून